जद्दोजहद किया लेकिन कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं भगवान को बोला, मालिक जितना परीक्षा लेना है ले ले, मोला जिंदगी कल से अच्छा जीना है, हो गया मोला जिंदगी गरीबी दिन खत्म, मोला करना है प्रभु जितना परीक्षा लेना है, जो जो परीक्षा लेना है ले ले, मोला जितना तोड़ना है तोड़ दे भगवान, लेकिन मोला कल जिंदगी अच्छा चाहिए। मैं रोज भगवान को ऐसी मांगता था, मैडम आप लोग भगवान के पास जाते हो तो क्या मांगते हो, मोला करोड़पति बना दे, मोला एनटीसी बना दे, यही मांगते हैं लोग जो है। अरे पगला, भयंकर खतरनाक गरीब आदमी को गलती से करोड़पति बना दिया तो पागल हो जाएगा वो, सही है, पहचान नहीं पाएगा, दारू सट्टा में मजबूर हो जाएगा, सही है कि नहीं है। इसीलिए भगवान परीक्षा लेता है हमको निखारने के लिए, हमारे अंदर में जो जंग लगा हुआ है ना, राड में जंग लगा रहता है तो उसको उसको एकदम से ऐसा करोगे तो राड से टूट सकता है, लेकिन उसको अगर धीरे धीरे अगर आपने वार्निश पेंसिल एंड माटी तेल लगावे तो वो धीरे धीरे जंग निकल ही ना। वो इसी प्रकार से भगवान यहाँ पर परीक्षा लेता है। आप लोग परीक्षा लेते हो तो भगवान को कोसते हो, यहाँ का तबलीग देते हो भगवान, आज तक मुझे तकलीफ नहीं आई, तब तक तकलीफ बात हो मैं जब से माला पिछल में आया हूँ। हेलो, कैसे कैसे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, क्या बोलते हैं, इतना तकलीफ तो मैं आज तक नहीं पाया जितना तकलीफ यहाँ पा रहा हूँ, मैं कितना अच्छा है पाले, एक बार अच्छा चीज पावे, समझाता हूँ लोगों को, अपना अनुभव को बताता हूँ, जितना बड़ा तकलीफ पाओगे उतना बड़ा उपलब्धि आएगा, लेकिन लोगों को धैर्य नहीं है, लोग संघर्ष करना नहीं चाहते, लोगों को धैर्य नहीं है, लोग 2 साल 2.5 साल में सब कुछ पाना चाहते हैं। एक मिनट माताराम, कहाँ जाते, एक कनिक बैठ जाओ, मैं ज्यादा टाइम बात नहीं करूँ माताराम, एक कनिक बैठ, मोर ध्यान भंग होते, तो फ्रेंड्स इस तरीके से नौकरी करते करते पार्ट टाइम में फोर्थ फी को कर लिया, सारे एग्जाम को मैंने दिया, सब परीक्षा को मैंने दिया, मुझे इतना परीक्षा लेना है ले ले भगवान बोला, और मुझे जिंदगी, मुझे कल से बेहतरीन जिंदगी चाहिए ऐसे करके बोला, माँ की कसम बता रहा हूँ, मुर्दाई कसम, कैसे कल आईस मुर जिंदगी में मुझे पता नहीं चलीस, आज की तारीख में मुर जिंदगी एकदम स्वर्ग के सब माफिक है, पोल से पारस से मैं आदर्श नगर में अभी आज की तारीख में 1 करोड़ का घर बनाया हूँ, कभी आना चाय पीने के लिए। यस यस, 1 करोड़ का घर बनाया, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़ी आदमी, लबारी मारू चाहूँ कहाँ, कभी टकराऊ तुम्हें जूता मारू, साले लबारी मारते इसकी सही बात है कि नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 1 करोड़ का घर बनाया आदर्श नगर में छत्तीसगढ़ जैसा पीछे में, 3 कार लिया, पहला कार फोर्ड फी को बताया 6 महीने में, उसके बाद में मेरे पास में क्रेटा है 20 लाख रुपए का, वो घर में खड़ा हुआ है, 70 लाख का मर्सिडीज बेंच नीचे खड़ा हुआ है। यस, अब आप मुझे बताइए, आप लोगों को भरोसा दिलाने के लिए मैं अपना सीना तो फाड़ नहीं सकता हूँ, गलती से फाड़ दे तो जुड़ेगा नहीं, कलयुग है ये, सही है ना। अब आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए हम आओ कहाँ क्या लेके आए मुझे बताओ ना, जब हमने बिजनेस की शुरुआत किया था ना, 500 रुपये कमाने वाला नहीं था छत्तीसगढ़ में, 500 रुपया भगवान की कसम, हम जब किसी के यहाँ प्लान देने के लिए जाते थे तो लोग पूछते थे ते कतक कमा थस, कहा मन कहा ते जुड़वे तबियत कमाबो, हेलो काबर की पहली आदमी हम ही, सही है कि नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए कितना बड़ा तमाचा हो सकता है, अगर कोई बोलता है ना नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है, माय लाइफ फ्यूचर में कोई पैसा कमाता नहीं है, तो एक झापड़ दे सकते हो, देख लो मुझे, आप अचीवमेंट को देखे जाओ, मैं सोहत इधर ही कहूँ छत्तीसगढ़ का हूँ मैं, 24 कैरेट छत्तीसगढ़िया, मुझे तो 12वीं तक हिंदी में बोलना भी नहीं आता था, स्त्रीलिंग पुरलिंग का ज्ञान नहीं था, ये रमेश के जैसा, समझ में आ रहा है ना, मुझे का और ती का ज्ञान नहीं था, भगवान का समस्या नमूना था मैं, लेकिन ये बिजनेस में आया, टिका रहा, आज सिर्फ 1 दशक में मेरी जिंदगी बदल चुकी फ्रेंड।